बहाली जो प्रक्रिया है देखिए, उसमें जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है, तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव आया है, जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है, तो उसके परिस्थिति में उस तरीके से रोस्टर वो लोग क्लियर करके निश्चित रूप से अपना रिजल्ट निकालेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय ले लें, और उसी तरह से यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं, तो करीब 1300 से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि और भी जो हम लोगों ने अधियाचना की थी उसके मुताबिक हमको जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी दें। जो बहालियां दो तरह की हैं, एक तो हम लोगों ने कहा कि सक्षमता वाली तो उनका तो अलग मामला है, जिसमें कि 1,80,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, उनको पुनः चांस मिलेगा, कुल मिलाकर 5 बार उनको चांस मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली का मामला है और कंप्यूटर शिक्षक की है, तो ये बहालियाँ शेष हैं, जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे। हमने कहा था पिछले बार कि इस महीने के अंत तक हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। ठीक ठीक धन्यवाद। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा, हमने अपने भ्रमण के दौरान और प्रधान अन्य पदाधिकारियों ने एक चीज़ महसूस किया कि स्कूलों में जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं विभिन्न स्कूलों के, उनके पास अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है जिससे छोटी छोटी मरम्मत करा सकें, या बल्ब खराब हो गया, या शौचालय में दिक्कत हो गई, या पीने का पानी में। तो हम लोगों ने 50,000 रुपया प्रति स्कूल उस तरह से आवंटित किया है, रिवॉल्विंग फंड, जो उनको और किन किन बिंदुओं पर वो अपना छोटा मोटा रिपेयर करा सकते हैं, ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग है, खास करके अगर कहीं बल्ब फ्यूज़ कर गया, मरकरी ख़राब हो गई, या बिजली की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, पीने के पानी की, या शौचालय में कुछ थोड़ी बहुत मरम्मति करानी हो, तो वो हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है, और ये ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग और बेहतर तरीके से। लोकसभा चुनाव